नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर दोस्तों यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ओम नमः शिवाय हर हर महादेव दोस्तों मां लक्ष्मी जी आपके ऊपर करेंगे धन की वर्षा बस गुरुवार की रात चुपचाप फेंक देना यहां पर पांच जीरे के दाने रातों रात बन जाओगे आप करोड़पति और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेंगी धन की वर्षा दोस्तों हो सकता है यह बात आपको पता ना हो आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही समस्त तरह की समस्याओं से आपको से जल्द मुक्ति मिल सकती है और उन्हीं मसालों में से एक मसाला जीरा जिसका इस्तेमाल वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं परंतु यह बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का सही तरह से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की हर तरह की समस्याओं से आपको शीघ्र से शीघ्र मुक्ति मिल सकती है बल्कि आपको साक्षात्मा लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका करके न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है यदि उसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का इस तरह से वरदान प्राप्त हो सकता है जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन से धन संबंधित परेशानी समाप्त हो जाएंगी बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन काल में सदैव धन की वर्षा होती रहेंगी आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे दोस्तों धीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है इसका उपाय है यदि सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मज़बूत रहती है कहा जाता है कि जीरे का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्याएं जो होती हैं वह शीघ्र समाप्त हो जाती है दूसरी तरफ आपका भाग्य इस तरह से आपका साथ देना शुरू कर देता है जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है दोस्तों मान लीजिए आपकी कुंडली में दोष है मंगल दोष है दोष है आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट जा कि हैं आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका इलाज कराकर करा आकर थक गए हैं परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो केवल आज के इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देख लीजिए आपको हम शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उपाय यदि आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर तरह की समस्याओं से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों जीरा एक बहुत साधारण सी चीज़ है जो बड़े आराम से मिल जाए आती है परंतु इसका उपाय कैसे करना है आपको वो आपको पता नहीं होगा दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा तंत्रशास्त्र में जीरे के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है कहां तो यहां तक गया है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह केवल का उपाय और जीरे का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने दिन पर और सही मुहूर्त कर लें तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का बढ़ता और वो आशीर्वाद मिलता है जिसके पश्चात उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है इसीलिए दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे माता लक्ष्मी जी के आशीष वार्ड से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कोई कमी ना हो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने आए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो तो पहले तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी और एक काम कीजिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए का आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा इस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे दोस्तों वो आकर हम आपकी कम्प्लेन का रिप्लाई में बता देंगे परंतु के लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी देखिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वह है कर्ज मुक्ति का भाव उपाय दोस्तों यह बात शायद आपको पता हो जब एक व्यक्ति कभी भी कर लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है उसकी इतनी परेशानी आ जाती है जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं और आप भी यदि उन व्यक्तियों में से जिसने कोई कर्जा ले रखा है तो आज आपको हमें एक उपाय बताने रहे हैं या उपाय यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही है धन संबंधित परेशानियों तो आराम से समाप्त हो जाएंगे यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो इस उपाय को करने के लिए आपको पांच शुक्रवार या उपाय करना होगा अब शुक्रवार का दिन क्यों तो जो शुक्रवार का दिन होता है वह माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से पर कृपा बरसाती हैं और यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं यह उपाय करने के पश्चात आपको माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी जिसके पश्चात आपका कर्ज़ा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा देखिए पांच सप्ताह आपको यह उपाय करना है पाँच सप्ताह मतलब पाँच शुक्रवार और पाँच सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं भोजन का मतलब शराब मदिरा गुटखा पान मसाला मछली अंडा यह सब आप नहीं खा सकते हैं इस चीजों को छोड़ने के पश्चात अब आपको पहले शुक्रवार को सुबह उठना है नहाना धोना है लाल कपड़े पहनने हैं माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल कपड़े पहने तो बहुत ही शुभ होता है अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी जीरा रखना है एक मुट्ठी जीरा के ऊपर एक रुपये का सिक्का रखना है इस लाल कपड़े को आपको मूली धागे से बांध करके पोटली बना लेनी है माँ लक्ष्मी जी के मंदिर चले मां लक्ष्मी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो या पोटली उसको दान कर दीजिए इतना उपाय पांच सप्ताह करनी चाहिए मां लक्ष्मी जी की कृपा से आए आपका कर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले रहते हैं उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी दूसरा हम आपको जो बताने वाले हैं वो है घर की बरकत का माहौल उपाय देखिए दोस्तों शायद यह बात आपको पता ना हो जब आपके घर की होती है आपके घर की उन्नति होती है आपके दोस्त यार नाते रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके पश्चात आपके घर की बरकत रुक जाती है और शायद यह बात आपको नापता नज़र इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है और मान लीजिए आपके घर की बरकत ना हो रही है आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है आप चाहते हैं आपके घर की बरकत आपके घर की उन्नति हो तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने आ रहे हैं या यदि आप लोग ने गुरुवार की सुबह जस्ट के पश्चात कर लिया तो दोस्तों आपके घर की बरकत भी होगी आपके घर की उन्नति भी होगी परंतु यह टीम मंगलवार को करना है तीन मंगलवार करने के पश्चात आपके घर से नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और आप पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा आपको एक मिट्टी का दिया लेना है मिट्टी का दिया के अलावा यदि आप लोग पीतल का पात्र ले लें तो और भी ज्यादा शुभ होगा उसमें आपको जिनकी इक्यावन जीरे के दाने रखने हैं तीन मिर्च रखनी है चालान रखनी है बस इतना आपको रखना है आपको यह चलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है तीन ये उपाय कर लीजिए आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा इसी तरह से दोस्तों आप मानव आपके ऊपर कोई दोष हुआ है मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है आप चाहते हैं कि इन तरह के दोषों से इन तरह की बुरी नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए तो एक सरल सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं देखिए ये उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात करना है सूर्यास्त के पश्चात कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए आपको जल्द ही लाभ देखने को मिल जाएगा यदि आपका जैसे नज़र आपको लगी आपको अंदर से महसूस हो रहा है तो आपको क्या करना है शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात एक मुट्ठी जीरा लक्ष्य एक मुट्ठी जीरा लेने के पश्चात इसको सर के ऊपर से ओर से टाई और बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों बाई ओर से दाएं और इस जीरे को घुस मजा है आपको घर के सामने जो भी आपके सड़क पड़ती है उस सड़क के दूसरी इस जीरे को श्रेणी सूर्यास्त के पश्चात फेंक देना है इतना उपाय करने चाहिए आपके ऊपर जो भी नज़र लगी होगी यह जीरा उस नज़र को सुख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी बस इस बात का ध्यान रखिएगा यह उपाय केवल शनि के दिन किया जाता है दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा यदि किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले कितना ही परिश्रम करें वह कभी भी आगे नहीं जा सकता और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है वह व्यक्ति यदि निर्णय भी उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है और यदि आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में हो है और आपने यदि भगवान विष्णु जी को पसंद कर लिया है तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा तो आपको क्या करना होगा देखिए ये उपाय करने के लिए आपको तीन बृहस्पतिवार या उपाय करना होगा तीन बृहस्पतिवार का मतलब आप तीन बृहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं पान मसाला शराब मदिरा यह सब आप बिल्कुल सकते हैं तीन बार ये उपाय करने के पश्चात आपका राहु केतु सदैव आपका साथ देगा जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है आपको क्या करना है प्रतिबार का दिन होता है वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है आपको सुबह उठना है नहाना है ढूंढना है आपको पीले कपड़े पहनने थे क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है